बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श और आप देख रहे हैं रुबाब बख्श ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान एहसान। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये शेर पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज जो मेरा प्रोग्राम है वो किस पर है। तो 14 अगस्त बहुत करीब है, यौम आज़ादी का दिन बहुत करीब है, तो हमने सोचा कि हम आवाम को, हमारी स्पेशली हमारी यूथ को वो सारी चीज़ें रिमाइंड करवाएं, वो जद्दोजहद बताएं, वो कुर्बानियां बताएं जो शायद अब वो हमारी आवाम को याद नहीं, हमारी यूथ को याद नहीं है। तो हम वो रिमाइंड करवाएं उनको ये सब चीज़ कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी जद्दोजहद के बाद हमें ये मुल्क तोहफे में मिला। तो इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो हम आज जानने आए हैं और हमारे साथ बहुत ही प्यारे कोई गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आकर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। फिर भी मैं थोड़ी सी उनकी तारीफ बयान करती चलूं। उन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, वो अभी भी इस उम्र में भी काफी सारी वेलफेयर से मुंसलिक हैं, अभी भी उनकी खिदमात जारी हैं। इसके साथ साथ वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और भी उनकी बहुत सारी खिदमात हैं जिनको अगर मैं बयान करने पे आऊं तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर हाजी हनीफ तैयब साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, जितना शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। माशाल्लाह, हमारा काम यही है कि इस मुल्क की, इस मुल्क के आवाम की, परेशान हाल गरीब लोगों की, यतीमों की खिदमत की जाए। तो ज़िंदगी जब वक्फ इसी के लिए है तो चलिए कुछ पाकिस्तान के लिए भी बात कर लेते हैं। बेशक आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, आप कायदे आज़म से बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसी हवाले से हमने सोचा कि आज 14 अगस्त बहुत करीब है, यौम आज़ादी का दिन करीब है, तो इस हवाले से हम आपसे, आवाम से बता सकते हैं कितनी खिदमात हैं कायदे आज़म की, आपकी कितनी खिदमात हैं, आवाम को आगाह कर चुके हैं, हमारी यूथ इससे बिल्कुल पीछे है, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मुनासबत से कि आगे हमारी यूथ को भी ये चीज़ें बताई जाएं, आपके बारे में बताया जाए, आपकी खिदमात के बारे में बताया जाए, आपने कायदे आज़म के साथ वक्त गुजारा उसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहला तो सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने कायदे आज़म मज़ार में बहुत खिदमात अंजाम दी हैं, तो ये कब से आपकी खिदमात चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सोचा कि पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान की जद्दोजहद, कायद आज़म के हालात ज़िंदगी से नौजवानों को आगाह किया जाए। ये काम तो गुज़िश्ता 70-75 साल के दौरान निसाब बनाने वाले लोगों का था कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कायद आज़म के बारे में आवाम को बहुत ज़्यादा आगाही दी जाती है। बिल्कुल। जिसके बारे में साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने वाले नेल्सन मैंडेला ने कहा कि मैं पाकिस्तान इसलिए जाना चाहता हूँ कि मेरी इस जद्दोजहद के दौरान मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना उस्ताद समझा, रहनुमा समझा, इसलिए वो यहाँ आए और कायद आज़म की बर्थ प्लेस पर जा कर के अपने तासुरात रिकॉर्ड कराए। लेकिन आज अगर, चलिए बच्चों को छोड़िए, माँ बाप को भी बच्चे कह दें
कि आज 14 अगस्त है, हम बैठते हैं और माँ और बाप दोनों मिलकर 10-15 मिनट कायदे आजम पाकिस्तान की जद्दोजहद, कायदे आजम के रफ़का नवाबजादा लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, बहादुर यार जंग, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, इनके बारे में बताइए, माँ बाप से कहें तो वो नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं पता होगा। तो इसकी ये दुख और अफसोस की बात है, जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाए, जाहिर है उस कौम ने अपने एक बड़े हिस्से मशरिकी पाकिस्तान को तोड़ दिया, जो अब तरक्की की रफ्तार में हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो हमको आइंदा भी अगर ऐसे हालात से दो चार नहीं होना तो पूरे पाकिस्तान के बारे में बताना चाहिए। अब दुनिया के लोग आकर कह रहे हैं, कायदे आजम ने तो जिंदगी में कहा था कि जितने मादनी जखायर बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में हैं, हम लेने वाले मुल्क नहीं रहेंगे, देने वाले मुल्क बन जाएंगे, लेकिन हमने कायदे आजम को भुला दिया। और ये कायदे आजम के गिर्द जो एक कई एकड़ का बाग है, उनके इंतकाल के 40 साल से ज्यादा अरसे तक यहाँ धूल मिट्टी उड़ती थी। अल्लाह ने यहाँ से मुझे 2 मरतबा MNA इलेक्ट किया, तौफीक दी, और मैंने ये जुनेजो मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो जो शरीफ तरीन वजीर आजम में से एक थे, उनको ला करके बता समझाया कि आप ये बाग बनाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाग बन गया। कायदे आजम की जो नवादरात थी, उनके कपड़े, उनकी कारें, उनके ड्राइंग रूम, बेडरूम, तमाम चीजें, क्रॉकरी, डाइनिंग टेबल, ये सब सामान 40 साल तक गोदाम में रखा हुआ था हमारे हुक्मरानों ने, हमारे अफसरान ने। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, एक कायदे आजम का चुके पाकिस्तान पर हम सब पर एहसान है, ए कायदे आजम यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, हमारी एहसान फरामोशी ये थी कि उनकी ये तमाम चीज़ें 40 साल तक गोदाम में रखी थी। और जब मैंने एज ए माहौलियात के वजीर के कायदे आजम मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड का नाम तब्दील करके मैंने रखा है, पहले इसका नाम था कायदे आजम मॉनिटरी फंड, पहले इजलास की सदारत की तो मैंने कहा आप चंदा करते हैं कायदे आजम के लिए, तो बोला नहीं करते, तो मैंने कहा फिर ये मॉनिटरी फंड क्यों नाम रखा, बोला सर पहले से चला आ रहा है। मैंने कहा कि मैं वर्कर हूँ, सिर्फ क्रिटिक्स नहीं करता, तनकीद नहीं करता मैं, बल्कि इसके बाद अमली तजवीज पेश करता हूँ कि आप सब मंजूर करें तो इसका नाम कायदे आजम मजार मैनेजमेंट बोर्ड रख दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 35 साल से इसका निज़ाम कायदे आजम मजार मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चल रहा है। फिर मैंने पूछा कि उनकी नवादरात यानी उनकी अजायब घर की जो चीजें होती हैं वो कहाँ रखी हैं, बोला साहब हमने बहुत संभाल कर म्यूजियम में रखी है। मैंने कहा म्यूजियम में क्यों रखी है, वहां तो एक अगर चूहा घुस गया, थोड़ी दीमक लकड़ी को लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। और तो उन्होंने कहा बस ये तय हुआ था कि जापान से कोई माहिर आकर म्यूजियम बनाएगा। तो मैंने पूछा इजलास से, मतलब 20-21-22 गेर के बड़े बड़े अफसरान थे, मैंने कहा कोई एक पाकिस्तानी म्यूजियम बनाने वाला नहीं है, तो उनका है पाकिस्तान बनाने वाला म्यूजियम जरूर है। और एक डॉक्टर नबी अहमद खान थे, उन्होंने हाथ उठाकर मुझसे कहा सर मैं बात कर सकता हूँ, मैंने कहा बात करें। उन्होंने बात की कि मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, कोई जापान से माहिर बुलाने की जरूरत नहीं है, आप इसका इफ्तिताह कब करना चाहते हैं। मैंने कहा 25 दिसंबर 1987 को मैं इफ्तिताह करना चाहता हूँ, तो उनका इसकी उससे पहले मैं तैयार कर दूंगा। लेकिन मुझे वर्कर के तौर पर पता था कि हर काम में थोड़ी देर हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने 23 मार्च भी जहन में रखा था, और आप जरूर ये जब अपना चलाएं तो दिखाएं कि उस पर प्लेट लिखी हुई है 23 मार्च 1988 को हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया, यानी बनाया भी मैंने इफ्तिताह भी किया। फिर यह कि कई एकड़ का ग्रीन बाग जो अब बना हुआ है वो पहले धूल मट्टी की शक्ल में था, अल्लाह ने तौफीक दी, तो जुनेजो साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आएंगे
कायदे आजम के मज़ार, तो वहाँ एक बात करेंगे। वो आए, हाजिरी दे दी, फिर मुझे पूछा हाजी बाबा क्या बात करनी है। मैंने कहा ये बात करनी है कि देखिए कायदे आजम के मज़ार के गिर्द कई एकड़ धूल मिट्टी है, और मैंने मार्बल पर हाथ फेरा तो मार्बल हाथ उंगली काली हो गई। तो मैंने कहा ये आप कायदे आजम के मजार पर अहद करें और कायदे आजम को बाग कायदे आजम बनाकर कराची वालों को बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में आप ये तोहफा दें। तो अब आप देखें लाखों लोग सालाना, अब तक लखों का लोग इसका विजिट कर चुके हैं, और बाबा कौम की सिंप्लिसिटी, उनकी कारें, उनके खेल कूद के सामान, और वो अच्छे शौकीन थे, बहुत बड़े एडवोकेट थे, उनके बॉम्बे का दफ्तर, उनका कराची का दफ्तर, उनका दिल्ली के दफ्तर के फोटोज वोटोज लगे हुए हैं, और सादगी से उन्होंने जिंदगी गुजारी। और उनका उसूल था कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये उनकी तालीमात थी जो इस माशरे में कहीं नजर नहीं आ रही। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कायदे आजम के मजार के जो ये मजार है उसका जो बाग बनाया आपने, कायदे आजम बागे कायदे आजम, आई थिंक बागे कायदे आजम के नाम से जो बनाया गया है, वो किस जमाने में बना? ये दरअसल फैसला इसका मोहम्मद खान जुनेजो के पीरियड में हुआ, जब उन्होंने एग्री किया 25 मार्च 1987 को कि ठीक है ये बाग बनाए। तो फिर मैंने कराची के डायरेक्टर जनरल के डी ए जेड ए निजामी से बात की, ये बाबा फरीदुद्दीन गणेश शकर की औलाद में से थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने कहा मैं आ जाता हूँ आपके पास, बोला नहीं आप तो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, मैं आ जाता हूँ। वो आए, उनके जिम्मे नक्शा बनाना किया गया, और जैगम जाफरी की सरबराई ने टीम में नक्शा बनाया। ये नक्शा जब बन गया तो जुनेजो साहब को मैंने कहा कि अब नक्शा बन गया है, आप इसको आकर देखें। वो भी आए, उनके साथ उस वक्त के गवर्नर अशरफ डब्ल्यू ताबानी भी थे, उनके साथ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर सैयद गौस अली शाह साहब भी थे। सब ने नक्शा देखा, थोड़ी बहुत ब्रीफिंग पहले मैंने दी, फिर निजामी साहब ने दी, और तो थोड़ी बहुत तरमीम के साथ वो मंजूर हो गया, काबीना में ले गए, वहां भी मंजूरी मिल गई, और फिर इसके बाद बनना शुरू हुआ। बनने में कई साल लगते हैं, कई एकड़ का बाग है, तो परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में ये कंप्लीट हुआ। और जब मैं अब उसको देखता हूँ, गुजरता हूँ यहाँ से, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर ये काम मुझसे मुमकिन नहीं था। बेशक बेशक। तो सर ये आपका ख्याल कैसे आया आपको? ये नहीं, ख्याल ये आया कि जिस मौसम पाकिस्तान बानी है पाकिस्तान, हम तो इतने नाफरामोश लोग हैं, एहसान फरामोश, कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को याद नहीं करते, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी सलाह से सरफराज करने में पूरी जिंदगी लगा दी। तो कायदे आजम के साथ भी हमने यही शुरू किया, तो मट्टी धूल देख करके, यहाँ से करीब था मजार और मेरा हलका भी रहा है, तो मैं सोचता रहता था कि यहाँ एक बाग होना चाहिए। और इसीलिए ये दोनों बातों का ख्याल है कि उनका एक म्यूजियम यहाँ होना चाहिए, और भी जगहों पर है, एक म्यूजियम यहाँ पर होना चाहिए, और एक जो है बाग कायदे आजम होना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मेरी जिंदगी में ये चीजें मुकम्मल हो गईं, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, हम जब कायदे आजम मजार को देखते हैं, वहाँ की म्यूजियम को देखते हैं, तो हमारा जो है वो जज्बा वो ताजा हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग वही चीजें में हमारे रिमाइंड में आती हैं कि कितनी जद्दोजहद से, कितनी कुर्बानियों से कायदे आजम ने ये मुल्क हमें तोहफे में दिया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल जैसे आपके जज्बे को एक जिला मिलती है ना, तो लाखों तलबा अब तक इसको विजिट कर चुके हैं, उनको भी एक जोश खरोश मिलता है। और फिर मुख्तलिफ टेलीविजन पे जो मेरे इंटरव्यूज चलते हैं, वो करोड़ों लोग अब तक देख चुके होंगे कि ये पाकिस्तान के बाग कायदे आजम को बनाने वाला, और बाग कायदे आजम के इस म्यूजियम को, जिसका उस वक्त नाम रखा गया था
ऐवान नवादरात कायद आजम। अच्छा। लेकिन सिंप्लिसिटी की खातिर अब इसका नाम कायद आजम म्यूजियम रख दिया गया है, तो उसको देखते हैं। और मैं जाहिर यही चाहता हूं कि इसकी एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, वैसे पीटीवी ने बनाई है और टेलीविजन ने बनाई है, वो यूनिवर्सिटीज में भी उनका कन्वोकेशन हो तो पहले वो दिखाया जाए, जैसे पढ़ा जाता है ना कौमी तराना, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद वो म्यूजियम की और बागर कायद आजम की हिस्ट्री बताई जाए और इस तरह से कौम में एक नया उमंग और नया जज्बा पैदा हो सकता है। और कायद आजम के मजार को जब आप जाकर विजिट करेंगे, देखेंगे, तो जो उनके साथी थे शहीद मिल्लत जिनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, नवाब ज्यादा लियाकत अली खान बहुत बड़ी हस्ती थी, उनको जार पिंडी के जलसे में फायर करके मार दिया गया और पहले से प्लानिंग थी तो जिसने फायर किया उस पर भी उस वक्त फायर कर दिया गया ताकि तहकीकात का दायरा ही खत्म हो जाए। सरदार अब्दुल रब निश्तर और इस तरह से बहादुर यार जंग, बड़े बड़े लोगों के मजारात हैं। और फिर इसमें एक उनकी बड़ी साथ देने वाली उनकी बहन थी मोहतरमा फातिमा जिना, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि उनके नाम पर एक हाउसिंग एंड वर्क्स और मिनिस्ट्री में एक हॉस्टल था, उसका नाम था 40 फीमेल ऑफिसर्स हॉस्टल। तो मैं दफ्तर आया तो मैंने सेक्रेटरी को हॉटलाइन पे पूछा कि नाम क्या है, बोले नाम तो कोई भी नहीं है बट 40 फीमेल ऑफिसर्स हॉस्टल कहते हैं। मैंने कहा नाम तो होना चाहिए, ये तो 40 अदद लोग ठहर सकते हैं, खवातीन ठहर सकती हैं, नाम होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये फाइल मेरे पास भेजे, तो मैंने उसका नाम मोहतरमा फातिमा जिना रखा। ऐसे ही मेरियट होटल इस्लामाबाद के पीछे एक हाउसिंग एंड वर्क्स का हॉस्टल बनाया हुआ था, 108 फैमिली सूट्स, उसका मैंने म्यूजियम विजिट किया। नाम पूछा फोन सेक्रेटरी को, बोले नाम कोई भी नहीं रखा गया, यही चल रहा है, बोले फाइल मेरे पास भेजे। तो मैंने उसका नाम रखा गुलशन जिना और उसके 5 ब्लॉक हैं, तो एक का नाम रावी, मेहरान, बोलान, खैबर, नीलम, ये 5 नाम रखे, 5 सूबों की शनाख्त। तो ये जो जीतते हैं उन्हें कोई मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, मुल्क के दर्जे की खिदमत करनी चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए। आप विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि अलमुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का काम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, कराची इसका हेड ऑफिस है, हमारे यहाँ फ्री डायलिसिस होता है, हमारे यहाँ थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रांसफ्यूजन फ्री होता है। ये 3 बच्चे हैं उनका जो हाउस रखा है उसका नाम रखा है मेरा घर अल मुस्तफा, ताकि बच्चे न कहें कि मैं तो यतीम बच्चा हूँ, यतीम खाने में रहता हूँ। और जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, बाप जिनको बच्चों ने निकाल दिया वो हमारे यहाँ रहते हैं, उनका नाम रखा है गोशाए सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर के चहीते चचा थे, शहीद कर दिए गए सैयदुश्शोहदा हैं। और वो ख़वातीन हैं जिनके साथ बच्चे ऐसा सलूक नहीं करते, बड़ी उम्र में निकाल देते हैं, तो उनका हमने जो शेल्टर होम बनाया है उसका नाम रखा है गोशाए खातून जन्नत, सरकारी दुआ जो दुआ की साहबजादी के नाम पर यह नाम रखा है। वो जारे के बहुत बड़ी आबिदा, जाहिदा, ताहरा, तैयबा थी और तमाम दुनिया में औरतों की वो सरदार हैं। तो इस तरह काम करने वालों को अल्लाह ने जब मुंतखब कर दिया तो हराम खाद खाने पर तवज्जो नहीं रखनी चाहिए, बार बैंक अकाउंट बनाने पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नजरिए के तहफ्फुज फरोग के लिए काम करना चाहिए। आज भी अगर हुकूमतें कायद आजम के फरमान के मुताबिक बलोचिस्तान में इतना सोना है, इतना कॉपर है, इतने मादनी ज़खायर हैं कि हम भीख मांगने के लिए IMF के पास नहीं जाएंगे, हम गरीब मुल्कों की मदद कर सकेंगे। लेकिन काश कि हम दुनिया के हराम के कामों से निकलें और हलाल कामों की तरफ रागिब हो जाएं तो ये सारा काम मुमकिन हो सकता है। काश।
काश ये सब सोच लें। अल्लाह तौफीक दे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुल्क के हालात पर? मुल्क के हालात तो दरअसल इसलिए देखिए, ये मुल्क आसानी से नहीं बना। बहुत कई लाख शहदा ने कुर्बानियां दी तो ये पाकिस्तान बना। उन्होंने शहदा ने कुर्बानियां क्यों दी? इसलिए उनको यकीन दिलाया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की तरफ से, उलमा की तरफ से, मशायख की तरफ से, सूफिया की तरफ से कि यहाँ निजाम मुस्तफा नाफिज किया जाएगा, खुलफा राशिदीन के तर्ज पर हुक्मरानी राइज की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और गैर मुस्लिमों के, यहूदियों के, ईसाइयों के, हिंदुओं के नाकाम तजुर्बात पाकिस्तान में किए गए, जिससे पाकिस्तान को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और अब भी हम अपने मुल्क को तरक्की देने के बजाय देखिए, बहुत सारे साबुन मुल्क के अंदर अच्छे बनते हैं, मैं 35-40 साल से इनको समझा रहा हूं, कोई साबुन बाहर से न मंगाए। बहुत से टूथपेस्ट अच्छे बनते हैं, आप बाहर से इंपोर्ट न करें, पाबंदी लगा दें तो मुल्क की तरक्की होगी, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, मुल्क की कमाई में और ज्यादा इजाफा होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं करते, बल्कि हर आदमी जो है उसमें उनका अपना जाती मफाद होता है, ऐसा ही जाती मफाद की खातिर इन बैरूनी कंपनियों को यहाँ ले आते हैं। वरना जाहिर है कि मैं कभी कभार, पहले इंडिया के हालात ठीक थे तो हम इंडिया से जूनागढ़ से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। तो मैं गया हूँ अजमेर शरीफ भी गया हूँ, देरी के 22 ख्वाजाओं की चौखट पर भी गया हूँ, और मैंने वहां माशाल्लाह बू अली शाह कलंदर के मजार पर भी हाजिरी दी है, हजरत पीर अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मजार पर भी हाजिरी दी है। ये लोग अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मुआहदा होता कि आपके सिख भी आए, आपके हिंदू भी आए, यात्री भी आए, सब आए, लेकिन हमारे लोगों को भी वहां जाने की इजाजत होनी चाहिए, एक मौसर हमेशा जिस पर अमल हो। अब बहुत सारे लोग अजमेर जाने के लिए लाहौर पहुंचते हैं, लाहौर स्टेशन पर उनको इतना दे दी जाती है कि इंडिया ने NOC नहीं दी है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे अपने आमाज की वजह से है। बिल्कुल सही। कोई सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, आप जब मिनिस्ट्री में थे आपके पास तकरीबन 1 साल का टाइम था जिसमें आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, तो वो किस तरह कब शुरू किए और कब आगे ले बढ़े इतने? यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, मैं 1985 से लेकर 1988 तक, अच्छा, यानी 3.5 साल से ज्यादा वफाकी वजीर अल्हम्दुलिल्लाह रहा। पहली मेरी मिनिस्ट्री लेबर मैन पावर एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी, दूसरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज की थी, तीसरी हाउसिंग एंड वर्क्स, और उसके साथ इजाफी चार्ज माहौलियात का था। अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया और ये मौका लेने और वक्त ईमानदारी से गुजारने की वजह से मैं पूरे सुकून से इस घर में रहता हूँ। मुझे कभी भी बैल बजने पर यह ख्याल नहीं आता कि कोई एंटी करप्शन वाला आया होगा, कोई नैब वाला आया होगा, कोई एहतसाब कमीशन वाला आया होगा, कोई एहतसाब ब्यूरो वाला आया होगा। लेकिन आदमी को सुकून की जिंदगी चाहिए, हराम के माल में सुकून नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद गालिबन मिनिस्टर हूँ कि मैं कोयले की कान में भी अंदर गया हूँ, नमक की कान में भी अंदर गया हूँ, क्योंकि अंदर काम करने वालों के हालात क्या हैं वो बाहर से बैठकर आप नहीं देख सकते। अब तो इस फोन ने जदीद एडवांस कर लिया है, अब तो अंदर जाकर काम करने वालों की फिल्में बनाकर भेजी जा सकती है, लेकिन क्या 35-40 साल पहले ये मुमकिन था? ये मुमकिन नहीं था। तो मैंने खुद जाकर के उसको देखा। बलूचिस्तान के मादनियात की मैं बात कर रहा हूं तो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी कि सैंदक का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, लेकिन मेरे पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी तो सैंदक का प्रोजेक्ट भी मुझे शुरू करने की सादत मिली। यहाँ मेहरान होटल से आगे पाकिस्तान हाउस है, ये फ्लैग स्टाफ हाउस, इसका पुराना नाम था कायद आजम हाउस नाम है, पाकिस्तान हाउस नाम है, कायद आजम भी इसमें रहते थे, उनकी हमशीरा
मोहतरमा फातिमा जिना भी उसमें रहती थी, पाकिस्तान बनने से पहले की ये बिल्डिंग थी, 40 साल पाकिस्तान बने में हो गए थे, एक मरतबा इस बिल्डिंग की मरम्मत नहीं की गई। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल्डिंग गिर जाती पुरानी होने की वजह से, तो इंडिया की खबरों की हेडलाइन होती और हमारे लोग मुंह छुपाते फिरते, अपना फोन बंद कर देते और आप लोगों को इंटरव्यू न देते। लेकिन 40 साल में पहली मरतबा इस को मरम्मत कराने की सआदत मुझ फकीर को यह हासिल हुई। और इसके बाद डीजी रेंजर्स थे जो बाद में कोर कमांडर थे, मेजर जनरल सईद, उन्होंने दूसरी मरतबा ये सआदत हासिल की। तो जिन लोगों ने हम पर एहसान किया, हम उनके बारे में नहीं कुछ करते। और ज़ाहिर ठीक है, आप एक 14 अगस्त के दिन तो मजार पर भी जाते हैं कायदे आजम के एहसान, एक दिन तो मकसूद नहीं है। उनकी जिंदगी को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी की सादगी ये है कि पाकिस्तान बनने का पहली काबीना का इजलास था, स्टाफ ने पूछा कायदे आजम से कि काबीना के लोग आएंगे उनके लिए क्या खाने पीने का इंतजाम करना है, तो उन्होंने पूछा क्या घर से खा के नहीं आएंगे, तो उनका घर से तो खा कर आएंगे, तो वह घर से खाना खाकर आएंगे, घर जाकर खा लेंगे, हमारे यहां सिर्फ उनको आप चाय पिला दीजिएगा। तो ये सादगी तो अब खत्म हो गई है, तो हमने इस मुल्क के दिखावा है। बेतहाशा इख़राजात है, 50-50, 60-60 लोगों की काबीना बना दी जाती है। अब इन पर कितना खर्च होता है ट्रेवलिंग पर, गाड़ियों पर, और अभी हाल ही में नई गाड़ियां खरीदने के ऑर्डर भी दिए गए। तो थोड़ा शर्म आने की बात है कि कायदे आजम की तो गाड़ियां देखे, उनकी जाती गाड़ियां थी, ये जो दो गाड़ियां रखी हुई हैं कायदे आजम के मजार के नीचे म्यूजियम में, ये उनकी जाती पैसे की खरीद गाड़ियां थी, सरकारी गाड़ियों पर नहीं था। और मैं जानता हूं उन तरह को कि जिनकी वजारतें खत्म होने के बाद कई कई महीने तक वो मकान खाली नहीं करते, कई कई महीने तक वो गाड़ियां वापस नहीं करते, और बेशुमार चीजें हैं जो वो जब्त करके रखते हैं और फिर बाय फोर्स कोर्ट के जरिए से उनसे ये चीजें हासिल करनी चाहिए, लेकिन वो छुपाया जाता है, बिल्कुल। और ये बात तो शायर ने कभी कही है, कहीं कही है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अगर कायदे आजम ने ऐसा काम किया था तो कायदे आजम मुल्क में आप वफाकी वजीर बन गए, सूबाई वजीर बन गए, गवर्नर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो आपने कायदे आजम के लिए क्या काम किया? कोई किसी चारों गवर्नर हाउस में कोई जबरदस्त किस्म का इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम कायदे आजम पर 25 दिसंबर को होता है, 11 सितंबर को होता है? नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में कायदे आजम पर PhD कराने का इंतजाम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन इसके लिए यूनिवर्सिटियों को पैसा भी देगा, लेकिन बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले जो चांसलर प्रो चांसलर हैं उनको शऊर हो कि इस मुल्क में हम जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर और वजीर आला वजीर आजम बने। मैं ये भी करना चाहता हूं आपके जरिए कि पाकिस्तान न बनता तो मैं काउंसलर नहीं बन सकता था, ऐसा ही अनडिवाइडेड इंडिया में मैं MLA नहीं बन सकता था, मैं वजीर नहीं बन सकता था। जो IG बने हुए हैं ये ASI पुलिस में होते मुश्किल से, जो चीफ सेक्रेटरी के अहदे पर गए हैं वो LDC UDC असिस्टेंट होते, लेकिन ये सब पाकिस्तान का एहसान है कि ये इस मनसब पर फायज हैं। लेकिन इनको भी किसी गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन दी है कि ये काम करें, वो वरना जरूर ये काम कायदे आजम पर होता। गवर्नमेंट को कहाँ ध्यान है इन चीजों का, वो अपने काम में मसरूफ है, बिल्कुल बेशक, ऐसा ही है। सर हमारे में एक और चीज आई है कि आप 6 यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट रह चुके हैं, तो इस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? बस ये अल्लाह ताला ने इल्म दीन की खिदमत कराने के लिए मुझे 6 यूनिवर्सिटीज की सिंडिकेट का मेंबर रहने की सआदत मिली। क्या बात है। एक तो कराची यूनिवर्सिटी की
जहाँ मैं दो टेन्योर के लिए कराची यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ा हुआ हूँ मैं, उसकी सिंडिकेट का मेंबर रहा। एक डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, उसकी सिंडिकेट का दूसरे टेन्योर के लिए मेंबर हूँ। एक जिला अस्पताल के पास जिला सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका मैं पहले टेन्योर के लिए सिंडिकेट का मेंबर हूँ। एक कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसका एक पीरियड के लिए सिंडिकेट का मेंबर रहा। एक जो है सिंध यूनिवर्सिटी भी कायदे आजम की निस्बत से है, और एक पाकिस्तान कायदे आजम ने जहाँ पढ़ा था सिंध मदरसतुल इस्लाम अबो यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैं मेंबर रहा। और एक मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी आजाद कश्मीर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का यानी सिंडिकेट का मेंबर रहा। तो ये अल्लाह की तौफीक से है, ये खालिसतन इल्म की खिदमत का अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। माशाल्लाह, क्या बात है। तो एक और सवाल पूछना चाहूंगी, आप माशाल्लाह इतने औहदों पे फाइज रहे हैं, इतनी सारी चीजें की हैं, फिर भी आपको जब मैंने देखा कि आप एक फ्लैट में एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? असल में हर जीतने वाले आदमी को सादगी का पैकर होना चाहिए। वो कायदे आजम से मोहब्बत के दावे करता, तो देखिए वो कितना सादा थे। बिल्कुल। और फिर इसके बाद ये देखिए कि हर MNA जीतने के बाद या हर मिनिस्टर अपने अपने इलाकों में अल मुस्तफा की के नेटवर्क की तरह गरीब यतीम मिस्कीन के लिए फेवर के लिए इलाज मुआवजे के लिए उनके होंठ कटे तालु कटे बच्चों के ऑपरेशन के लिए उनके आंखों के सफेद मोती के सफेद मुफ्त सर्जरी के लिए वो काम करें, तो उनके पास वसाइल होते हैं। लेकिन उनको इस तरह की गाइडेंस देने के लिए हुकूमतें कोई तवज्जो नहीं देती, वरना आधे मेंबर तो ऐसे होंगे जो अपने इलाकों में ऐसा काम कर सकते हैं। हुकूमत के पास प्लॉट होते हैं, हुकूमत उनको मीटिंग करे, प्लॉट ऑफर करे और काम ले और उनको विजिट कराए ऐसे इदारों का। ऐसा कोई MNA सीखना चाहता हो कि हाउ टू डू दिस थिंग, वो मेरे पास आए तो हम कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। फिर इसके बाद ये कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी तवज्जो हराम की दौलत की होती तो पाकिस्तान की हर डिफेंस सोसाइटी में मेरा एक बंगला होता, लेकिन वो हराम का होता और लोग कहते थे कि बहुत बड़ा हराम खोर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इन चीज़ों से महफूज रखा और अल्लाह ताला ने मेरी कोई बैल बजे कभी भी तो मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि कोई एंटी करप्शन वाला आया होगा, कोई एहतसाब कमीशन वाला आया होगा, कोई एहतसाब ब्यूरो वाला आया होगा या नैब वाला आया होगा। तो आप सादा जिंदगी गुजारें, ईमानदारी से गुजारें और बाकी जो भी दुनिया से जाएगा माल जितना भी जमा कर ले वो जाएगा तो खाली हाथ। ऐसा ही है, तो खाली हाथ जब जाना है। तो ये अगर हमारी आवाम सीख जाए, हमारे बड़े सीख जाए तो क्या बात है सर। अल्लाह खुश रखे। सर आपने खिदमत खल्क बहुत सारी की है, आपने पोलियो में भी बहुत काम किया है, तो उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान में पहले पोलियो के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सालाना हजारों केसेस रिपोर्ट होते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग फतवा चलाते थे कि पोलियो के कतरे पिलाने जायज नहीं है। ऐसा ही है। तो रोटरी क्लब इंटरनेशनल में फैसला किया कि अब कोई ऐसा आदमी पोलियो के खात्मे के लिए उलमा कमेटी का सरबरा बनाया जाए। तो मैं तो उलमा का एक अदना सा खादिम हूँ, तो उन्होंने सर्वे करने के बाद दो आदमी के नाम लिखे और पहले मेरे पास आए और कहा कि आप इसके चेयरमैन बने तो पोलियो के खात्मे के लिए कुछ काम किया जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं अल मुस्तफा की वजह से बहुत मसरूफ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप किसके रहमो करम पर पाकिस्तान के लोगों को माजूर होने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने वालों के लिए जिद्दोजहद नहीं चला रहे, आप चलाए। तो फिर इसके बाद हजारों से फिर सैकड़ों में पहुंचे, सैकड़ों से दर्जनों पर और दर्जनों से फिर एक दर्जन से कम पर भी आए। और अल्लाह की तरफ 8 से 9 केसेस रह गए सर, अब 7 है। अल्लाह की रात से उम्मीद है
मेहनत कर रहे हैं कि इसको जल्दी, इस जुमे को भी जुमे की नमाज के बाद मीटिंग थी, मुझे कहीं तकरीर के लिए जाना था, तकरीर छोड़ दी, मैं मीटिंग में पहुंचा और प्रोग्राम बनाया कि अब जुमा जो कल है, जैसे कल जहां तकरीर करूंगा वहां मैं इंशाल्लाह ताला इस बारे में पोलियो के खात्मे की युद्ध जो के लिए बात करूंगा। जो फतवे देते थे उनके फतवों को रोकने के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सवाल जवाब के लिए मैं हाजिर था। लोगों ने कहा कि ये पोलियो के कतरे पिलाने के जो वैक्सीन है इस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, बिल्कुल इस पर इंग्रीडियंट अज़ा तरकीब काफी लोग डरते हैं पिलाने से, ये नहीं लिखी। तो मैंने WHO को कहा कि एक एक वैक्सीन सबके हाथ में दे दें, दे दी। फिर मैंने कहा उसको देखें इसमें एक्सपायरी डेट लिखी है, हाँ लिखी है। फिर मैंने कहा इसमें इंग्रेडिएंट्स अज़ा तरकीबी ये लिखे हैं, बुरहान लिखे हैं। तो मैंने कहा सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाना जो है इसकी इजाजत हमें शरीयत ने नहीं दी है। तो फतवे देने का काम उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता पोलियो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, मीन्स पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर एक और सवाल पूछना चाहूंगी, आप आवाम को बताएं कि हम किस तरह एक कौम बन कर रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये जबान, ये जात पात, इन चीजों से निकल कर किस तरह एक कौम बनना चाहिए। देखिए एक कौम बने थे ना तो पाकिस्तान बना, ऐसा ही है बिल्कुल। जब हम एक कौम रहने के बजाय बंगाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच हो गए, फिर के नस्लों, फिर इसके बाद नस्लों तक आ गए, फिर जबान पर, लिसानियत पर आ गए, तो पहले नंबर पर तो इस पाकिस्तान हमारे करतूत की वजह से और इंडिया की साजिश की वजह से हमसे अलग हुआ। वरना मैं शेख मुजीबुर रहमान से उसकी रिहाइश का धान मंडी में मिलने भी गया था। मैंने कहा कि अब इख्तदार तो आपको मिलने वाला है, बोला मुझे इख्तदार नहीं दिया जाएगा, आपके वेस्ट पाकिस्तानी लोग हमें इख्तदार नहीं देंगे, हम वाज़ अक्सर से जीत चुके हैं। और जाहिर जब इख्तदार नहीं मिला तो वहां के इंतहा पसंद लोग भी, वहां के महरूम लोग भी और भारत ने मिल करके मशरिकी पाकिस्तान को हमसे जुदा कर दिया, वो बांग्लादेश बन गया। हमारे बाद के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश का रुपया जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी मईशत ज्यादा है, उसका रुपया वर्सेस डॉलर बहुत सस्ता है, हमारा तो 300 के करीब करीब पहुंच गया है। तो अगर ये हम इलाकाइयत लिसानियत में पड़े रहे, फिर खवारियत में पड़े रहे, आए दिन हमारे फौजी शहीद किए जाते हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबल के लोग शहीद किए जाते हैं, रेंजर्स के लोग शहीद किए जाते हैं, पुलिस के लोग शहीद किए जाते हैं। तो ये दहशतगर्दी जो है उसको मिटाने के लिए इस पूरी कौम को एक होना पड़ेगा। और जैसे पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत ज्यादा दहशत वाला वाकया हुआ था, ये चीजें अगर खत्म की जाएंगी तो हालात इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो दुरुस्त हो जाएंगे। सर आखिर में बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को, हमारी यूथ स्पेशली जो आजकल बहुत ही दूर है इन चीजों से, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यूथ को मैसेज देने से पहले उनके माँ बाप को मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ बाप अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझें जिसका उन हुक्म शरीयत ने दिया है कि बच्चे नमाज पढ़ें, बच्चे कुरान पढ़ें, बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ें, बच्चों को कोर्स में ऐसी किताबें डाली जाए, पढ़ाया जाए, कोर्स हमारा नए सिरे से रिवाइव करके अच्छा किया जाए, तो जाहिर है कि नौजवान नस्ल सीखेगी। और नौजवान नस्ल से तवक्कुआत बहुत रखी जाती हैं, नौजवान नस्ल को पहले, मैं तो 50-60 साल से वाज़ और तकरीर में जाता हूँ और खिताबात करता हूँ, मजहबी स्कॉलर के तौर पर मैं खिताब करने के लिए अमेरिका, बर्तानिया, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका सब जगह गया हूँ। तो अब शरीक होने वालों की तादाद नौजवानों की अब ज्यादा होती है, पहले सिर्फ बूढ़े लोग होते थे, अब नौजवानों की तादाद ज्यादा होती है। तो इसलिए नौजवान अपने माँ बाप से इस्लाम के बारे में पूछें। अभी यौम फारूक आजम गया, अभी शहदाए कर्बला का यौम गया,
हम अपने माँ बाप को बिठा दें जो जवान लोग हैं और कहे कि जरा सैयदना फारूक आजम के हालात बताओ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हालात बताओ, तो बता नहीं सकेंगे। तो बच्चे अगर इस तरह खुद शौक पैदा करें, क्योंकि देखिए माँ बाप को तो किसी न किसी दिन इंतकाल हो जाना है, इसलिए जिंदगी आपको गुजारनी है, आपको अपने आप को संवारना है, बनाना है। और आप बना जब सकते हैं जब सरकारी दो आलम सरसों की तालीमात हासिल करें। माँ बाप हदीस की 600 अहादीस की किताब जो मौलाना शाह तुरावी लख साहब ने मरतब की ज़ियाउल हदीस, 100 रुपए की मिलती है। हर बच्चे को एक एक लेकर के दे दें और उसे कहें एक दिन में बस एक हदीस बमे हवाले के 2-3 मरतबा पढ़कर उसका मफहूम समझे तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे मुर्शिद करीम गजाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद कालमी शाह साहब ने पहले लिखी थी मजमुए सद अहादीस, और वो सारी अहादीस अरबी में लिखी थी। फिर उनके बेटे जो अब शेखुल हदीस हैं अल्लामा सैयद अरशद सईद कालमी शाह साहब, उन्होंने वो किताब दोबारा छापी, तो एक तरफ अरबी और एक तरफ उर्दू। तो आपके सीखने के लिए सारा मवाद इस्लाम में, सीरत सहाबा में, सीरत अहले बैत में, खुलफा राशिदीन की सीरत में, अशरा मुबशरा की सीरत में मौजूद है। नौजवानों से ये कहता हूं कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सर बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज हमारे थ्रू जा चुका है आवाम को, यूथ को, तो बहुत शुक्रिया सर आपने अपने कीमती टाइम हमें दिया। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।